नमस्कार। मैं सबसे पहले इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक्सप्रेशंस नाम के इस यूथ सम्मेलन को ऑर्गेनाइज़ किया और इतने बड़े रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, और एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, जब मैं स्कूल से निकला था 1991 में, तब भारत की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी। हमारा सोना गिरवी पड़ा था, रुपए का मूल्य डॉलर के मुताबिक कंपैरिजन में बहुत नीचे गिर गया था, और भारत में उस समय बहुत ही निराशा का माहौल था और बहुत एंग्जाइटी थी कि आगे क्या होगा। मेरे बैच के जितने बच्चे थे वो सब पढ़ के अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन आज स्थिति बहुत फ़र्क है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये देश संभावनाओं से भरा है। तो आप सब इस अमृत काल में जी रहे हैं, इस अमृत काल का सबसे ज़्यादा लाभ आप लोग उठाएं, खूब बड़े सपने रखें और बहुत कड़ी मेहनत करें उन सपनों को साकार करने के लिए। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई नई टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत फंडिंग और बहुत सपोर्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, आज हमारा देश संभावनाओं से भरा पड़ा है, आप बड़े सपने रखिए और किसी को भी अपने सपनों को पूरा करने के सामने मत आने दीजिए। ये उम्र, मतलब यंग उम्र है, इस टाइम बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से एनकैश करिए। हमने बहुत सफलताएं भी देखी हैं, इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स हैं, बहुत सारी छोटी कंपनियां बड़ी बन गई हैं। तो अपने इस आत्मविश्वास से भरपूर वातावरण में अपने सपनों को और ऊँचा करिए। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि हर मनुष्य की सफलता में बहुत लोगों का हाथ होता है। माता पिता का हाथ होता है, गुरु का हाथ होता है, टीचर्स का हाथ होता है, समाज का हाथ होता है। आप जिस सड़क पे चलते हैं वो सड़क किसी और ने बनाई है। तो जैसे जैसे जीवन के पथ पे सफलता मिले, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है उनके प्रति कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। इस भावना से अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत आशीर्वाद मिलता है और बहुत लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है कि बहुत सफलता मिले तो भी विनम्र रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, और कभी कभी असफलता भी मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए विश्व में, उसमें फर्स्ट टाइम सक्सेस नहीं मिली। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, बट बहुत सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही वो सक्सेसफुल हो पाए। इसी तरह से हम कहीं भी देखते हैं तो कोई भी बड़ा काम करने में संघर्ष करना पड़ता है, असफलता होती है, पर वो असफलता सफलता को पाने के लिए एक सीढ़ी है। अपने सपनों को तो पूरा करें ही करें, कुछ समय देश को बनाने के लिए भी दें। भारत ने बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बहुत कामयाबी हासिल करी, हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे था, लेकिन इन्वेजन्स के कारण हमारे देश को और हमारे आत्मविश्वास को नष्ट किया गया। लेकिन आज़ादी के 75 साल में ही भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, और अब हम सबको मिलकर इस देश को उसी ऊंचाई पर ले जाना है जिस ऊंचाई पर ये पहले था, सोने की चिड़िया कहलाता था, और सब लोग देश विदेश से यहाँ आते थे सीखने के लिए। तो जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में वर्ल्ड के बेस्ट प्रतिभा दिखाइए और बेस्ट बनिए। इस तरीके से आप देश निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। एक बार फिर मैं इस्कॉन को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में, और मैं आशा करता हूं कि अगले बार मैं फिजिकली प्रेजेंट होके आप सबसे मित्रों में मिल सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।